नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर आमिर खान के ये दो वीडियोस पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर काफी शेयर किए जा रहे हैं। यूजर्स इन्हें शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि आमिर खान ने कांग्रेस की तरफदारी की। सबसे पहले तो आप ये वीडियोस देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक नागरिक लखपति है। हर एक के पास कम से कम 15 लाख होनी चाहिए। क्या कहा आपके पास ये रकम नहीं है? तो कहां गए आपके 15 लाख रुपए? जुमलेवादों से रहो सावधान, नहीं तो होगा तुम्हारा नुकसान। वोट फॉर न्याय, वोट फॉर कांग्रेस। दोस्तों, इस चुनाव में दो तरह की गारंटीज है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी खबर यह है कि फिर से वो जुमले वादे किए हैं आपके जिंदगी बर्बाद करने। लेकिन अच्छी खबर यह है, इस बार आपके विकास के हिसाब के लिए 5 न्याय है। हाथ बदलेगा हालत। जिन्हें देश की फिक्र है वो न्याय के लिए वोट देगा। वोट फॉर न्याय, वोट फॉर कांग्रेस। ये वीडियो यूजर्स आमिर खान के बोले गए शब्दों को रिपीट करते हुए शेयर कर रहे हैं, और वही ये दूसरा वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स कह रहे हैं कि आमिर खान कांग्रेस और 5 न्याय के समर्थन में खुलकर सामने आए। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने इन दोनों वीडियोस को ध्यान से देखा तो पाया कि इनमें बोले गए शब्द और लिप सिंक मेल नहीं खा रहे हैं। यहां से हमें अंदेशा हुआ कि शायद ये दोनों वीडियोस एडिटेड हो सकते हैं। पहले वीडियो की जांच करते हुए हमें स्टार प्लस चैनल पर प्रसारित किए जाने वाले शो सत्यमेव जयते का ये वीडियो मिला। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यहां का हर एक नागरिक करोड़पति है। हर एक के पास कम से कम 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। क्या कहा आपके पास ये रकम नहीं है? तो कहां गए आपके 1 करोड़ रुपए? जानिए संडे सुबह 11 बजे। एयरटेल प्रेजेंट सत्यमेव जयते पावर्ड बाय एक्सिस बैंक इस संडे सुबह 11 बजे स्टार प्लस पर। ये एक प्रोमो वीडियो है जो कि सत्यमेव जयते के सीजन 2 के एपिसोड किंग्स एवरीडे का था, और ये साल 2014 में प्रसारित किया गया था। अब आते हैं इस दूसरे वीडियो पर। सत्यमेव जयते के यूट्यूब चैनल को खंगालने पर हमें ये वीडियो 30 अगस्त 2016 को पोस्ट किया हुआ मिला। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए 2 खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी खबर यह है कि मैं एक बार फिर आ रहा हूं आपका संडे बर्बाद करने। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बार मैं सिर्फ 5 संडे बर्बाद करूंगा, सिर्फ 5। मार्च का महीना, हर संडे। जिन्हें देश की फिक्र है, एयरटेल प्रेजेंट सत्यमेव जयते पावर्ड बाय एक्सिस बैंक। यानी आमिर खान के जो वीडियोस हाल में कांग्रेस के समर्थन में उतरने के दावे के साथ शेयर किए गए हैं, वो दोनों ही एडिटेड है। इन दोनों क्लिप्स में ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। आमिर खान के ऑफिस ने ये बात क्लैरिफाई भी की थी कि उन्होंने अपने 35 साल के करियर में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं किया। इन चुनावों के मद्देनजर प्रमुख हस्तियों को लेकर किए जाने वाले ऐसे ही गलत दावों की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज को फॉलो करें।